टाइम पे गर्मी पड़ी है, कार्ड आ गया तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। कैमरा कनेक्ट है जाम पे लिख लो एक दो जैसे कि इट्रियम है ना, जिरकोनियम, नियोबियम, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटिनम है ना। तो इसकी नहीं, इसके बाद से जहाँ से लेंथेनाइट कॉन्टेक्शन लगता है, तो ये है आपकी 4D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D सीरीज है ना। इनकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, जिरकोनियम एंड हाफ नियम, नियोबियम एंड टेंटिलम, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। प्रैक्टिकल हो गए आप लोगों के, MP बोर्ड वालों के 13 से हैं, और आप लोग हो गए, किसी भी स्कूल के नहीं हुए अभी? हमारे यहाँ तो सभी हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सबका। ठीक है, डालिए हेडिंग, नेक्स्ट डालिए बेसिक स्ट्रेंथ, ये अलग से भी पूछा गया है ना, एक नंबर में किस में, CBSE में। तो अगला है बेसिसिटी, या बेसिक स्ट्रेंथ डालो, बेसिसिटी नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ डालो, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर डालो। देखो अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, किसी भी हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो कोई भी हाइड्रोक्साइड उतना ही बेसिक होगा जितना ज़्यादा वो डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है ना, जो लेंथेनाइट सीरीज है, एक किस प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाएगी, लेंथेनम, सीरियम और लिटियम। ठीक है ना, इनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और OH पे कितना था, 1-, मतलब ये OH होल थ्राइड टाइम के हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो ये पूछा गया है इसमें कि कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, लेंथेनम, सीरियम, रेडियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरेथियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पोसियम, होलमियम, अर्बियम, थोरियम, इटर्बियम, ल्यूटेटियम है ना। तो इनमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, इसका हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा कि इसका हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा कि इसका हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा कि सबसे लास्ट वाले का हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये पूछा गया है ना कि कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखिए कोई भी हाइड्रोक्साइड उतना ही बेसिक माना जाएगा जितना ज़्यादा वो OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में रिलीज करेगा, और OH नेगेटिव आयन्स उतने ही ज़्यादा रिलीज होंगे सोल्यूशन में जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल में आयनिक करेक्टर है। जो मॉलिक्यूल जितना आयनिक होगा वो पानी में उतने आसानी से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व।
अब ए बी प्लस थ्री है, 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 एंड सो ए बी प्लस थ्री है, तो ये सभी हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि जब हम इस तरफ जाते हैं तो आयनिक करेक्टर अगर बढ़ रहा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि आयनिक करेक्टर अगर बढ़ रहा है तो पानी में ज़्यादा टूटेगा और ज़्यादा ओएच। लेकिन अगर आयनिक करेक्टर कम रहा होगा, उल्टा बोले कोवलेंट करेक्टर बढ़ रहा होगा, तो फिर कोवलेंट बॉन्ड पानी में नहीं टूटते हैं, मिथेन गैस CO2 ये सब पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे आपके। कोई भी हाइड्रोकार्बन आपका पानी में डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों फेजांस रूल ये कहता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर। तो पॉजिटिव चार्ज तो सब में ही सेम है, तो पॉजिटिव चार्ज से हम कोवलेंट करेक्टर को पता नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा वो बोलते हैं जितना छोटा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर आएगा। देखिए क्यों कोवलेंट करेक्टर कैसे आते हैं, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जब नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, और शेयर होने से जो करेक्टर आता है वो कहलाता है कोवलेंट करेक्टर। ये बॉन्ड था आयनिक लेकिन अगर पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के शेयर कर लिया तो कोवलेंट करेक्टर आ गया। तो ये पॉजिटिव आयन कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सब में पॉजिटिव चार्ज तो बराबर है, तो यहाँ से पता नहीं। अब हमने देखा है साइन लगातार क्या होती है, डिक्रीज। तो सबसे छोटा पॉजिटिव आयन कहाँ है, वहाँ पर, मतलब उस साइड जाने पर कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और अगर कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर घटेगा। एक सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे हम सीरीज में आगे जाते हैं, अलोंग द सीरीज जाते हैं, क्योंकि कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाता है इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ घटती जाती है ना। ये तो हमने समझा दिया, बाकी तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए हम फिर से समझाते हैं लिख के, ठीक है। तो डाली हेडिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, और डाल लो थोड़ी सी हेडिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाँ लेंथेनाइड्स की तो पढ़ रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड उन्हीं की तो पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो देखिए सीधे आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना है, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कम सीसी होगा कोवलेंट करेक्टर, बता रहे अभी हम, जिसके कान के नीचे ढले समझ जाना कि उसी ने शैतानी की है। लगाओ अंदाज़ा रहा वहाँ किसके कान के नीचे करने वाला है, कुछ सही अंदाज़ा लगाओगे तो हम तो मान जाएंगे। लगाओ अंदाजा, चलो थोड़ी देर में पता चलेगा। लिखो जल्दी, बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोवलेंट करेक्टर के। ठीक है, ये और यहाँ पर लिख लेना, चार चांद लग जाएंगे इस रूल में, फेजांस रूल लिख लेना यहाँ पर। फेजांस रूल पढ़ा दी तो तुमने, फेजांस रूल बहुत फेमस रूल है।
दो लाइन लिखेंगे, कल जब हम लैंथेनॉइड्स को अलग से पढ़ेंगे ना तभी चीज़ें फिर आएंगी, है ना। तो लिखिए एज अलोंग द सीरीज, सीरीज के साथ साथ, एज अलोंग द सीरीज कोवेलेंट, कोवेलेंट करेक्टर एज, एज अलोंग द सीरीज कोवेलेंट, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज, कॉमा लगाइए, दस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। लेंथेनम ट्राई पॉजिटिव आयन तो ये हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो अंत में पहुँचेंगे हम ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड में, है ना। तो लेंथेनम से हम चलना चालू करेंगे सीरियम, तो जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी आपकी। इसको बच्चों अब लिखा तो नहीं अभी, हाँ तो एक छोटा सा करेक्शन करते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है ना जब आप इस तरफ जाओगे, लिख लीजिए। तो लास्ट तक बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी आपकी, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और सबसे कम बेसिक होगा ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि लैंथेनम लैंथेनॉइड का पार्ट नहीं है लेकिन इसको स्टडी किया जाता है क्योंकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ की मिलती है। एक लास्ट कंसिक्वेंस और लिखना है, क्योंकि इस साइड कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है तो उस साइड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, इस साइड बढ़ेगी। देखो लैंथेनॉइड्स का सेपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, इवन केमिकल रिएक्शन से भी इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, क्यों इनको केमिकल रिएक्शन से क्यों सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी के सभी सेम केमिकल रिएक्शन देते हैं। अगर सभी सेम केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं तो कैसे सेपरेट करोगे। मान लो हमारे पास चार एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, इसमें से कोई एक एलिमेंट है जो वाटर में डिजॉल्व है, बाकी तीन डिजॉल्व नहीं है, तो हम इनको पानी में घोलेंगे, जो डिजॉल्व है वो पानी में है, फिल्टर करके ले आएंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं चारों ही वाटर में डिजॉल्व हैं, तब इनको कैसे सेपरेट करें, तब तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टिपिकल मेथड लगानी पड़ेगी। तो इन सब की केमिकल रिएक्शन सभी की सेम है और इसका रीजन बताया गया है कि इनकी साइज भले ही एक दूसरे से छोटे